गाड़ी रोके बोले पैसेंजर उतार दीजिए हमने पैसेंजर। कितने लोग थे गाड़ी? ये उम्मीद है कि सुबह तक सब कुछ सामान नहीं हो जाएगा। अब यही बैठेंगे, क्या करेंगे? यही बैठे रहेंगे, हाँ जाड़े में मरेंगे। मिली अब पता नहीं, उम्मीद भी है घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा कितने देर इंतजार किए हैं तो एक लखनऊ वाली बस मिली है। पूरे प्रदेश में भय का माहौल है इस सरकार के इस कानून की वजह से। क्या दिक्कत है ड्राइवर की, क्या समस्या? दिक्कत बहुत समस्या है। भीख मांग के खाना पसंद है मगर इस हिंदुस्तान में ड्राइवरी करना पसंद नहीं है। और ये जो कानून आया उसको कैसे देखते हैं? भारत देश में जितना ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना किसी देश में नहीं है। मैं नेपाल गया हूँ, नेपाल में सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि 15 रुपए कमा के घूम रहे हैं, बच्चे कैसे पलेंगे? 2 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट के बाद 7 लाख कहाँ से भरेंगे? तो अभी हम बस स्टेशन पे हैं। आपको कहाँ जाना था भैया? बस मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। कहाँ जाना है? देवरिया जाना है। देवरिया जाना है, एक भी बस नहीं है? एक भी नहीं है। अच्छा कोई जानकारी थी क्या कुछ ऐसा स्ट्राइक वगैरह हो रहा है? तो हमको पूरा मालूम नहीं है। कोई जानकारी नहीं थी? नहीं नहीं। हाँ आपको कहाँ जाना है चाचा? अरे पिताजी, आपके पिताजी। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? तो तब कब से भटक रहे हैं, कितने देर से? अभी आधा एक घंटा हुआ अभी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आ तो रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग जो है वो परेशान है। बस चल रही है क्या भैया? जी जी जी, अभी संचालन अभी शुरू हुआ है। अच्छा जी, सुबह से नहीं चल रही थी? नहीं सुबह से नहीं, तोड़ फोड़ रास्ते में विवाद उवाद हुआ था, सुबह संचालन शुरू हुआ था। कई जगह जो है दंगा फसाद हो गया, इसके चलते बसों का फिर आवागमन बंद हो गया और फिलहाल बसों का संचालन। दंगा उंगा हुआ किस बात? जैसे यही ट्रक वालों ने किया था, जैसे विवाद था ना, कोई नया कानून बना है उसके चलते तो उन लोगों ने रोक रखा था। अभी बाद में फिर प्रशासन द्वारा जो है सूचना ये मिला है कि नहीं आप लोग बस चलवाइए, तो अब संचालन अब शुरू। तो आप लोग किसके नोटिस पे बस नहीं चला रहे थे? जिसे नोटिस कोई नहीं था। हाँ। नोटिस किसी ने नहीं दिया था। काले कानून के विरोध में जो ट्रकें खड़ी थी उसके चलते तो बसवा कहाँ रुक गई थी? ट्रक बसवा इसलिए रुकी थी कि उसको तोड़ फोड़ लोग कर रहे थे। अच्छा, मतलब आप बस चलाना चाह रहे थे? आप जब चला रहे थे तो जो ट्रक ड्राइवर थे वो बस पे हमला कर दे रहे? जी, उन लोगों के हमला के डर से, मान लीजिए गवर्नमेंट की गाड़ी है, तोड़ फोड़ होगा तो नुकसान होगा और जान मान का भी नुकसान है, चालक को भी मारपीट कर रहे हैं लोग। हमारे सुबह चालक साहब ये सुबह लेकर गाड़ी आए थे, तो इनके साथ भी विवाद हुआ। अच्छा, कहाँ पे विवाद हुआ आपके साथ? यहीं पे हुआ, मोहद्दीपुर से पहले। अच्छा क्या हुआ? कुछ गाड़ी रोके बोले पैसेंजर उतार दीजिए हमने पैसेंजर। अच्छा। कितने लोग थे गाड़ी? गाड़ी में लगभग 40 आदमी तक थे। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? देवरिया से आ रहे थे। अच्छा, यही आना चाह रहे थे लेकिन मोहद्दीपुर में सब वही खाली करवा के वापस। तो बसवा भी वही खड़ा करने के लिए बोल दिए या बस? नहीं बोले खाली बस कहीं भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, तो खाली बस लेके गए देवरिया वापस। तो बहुत सारे यात्री जो हैं वो भटक रहे हैं इस ठंडी में। कहाँ जाना है चाचा आपको? रुद्रपुर। तो बस नहीं मिल रहा? नहीं, एक भी बस नहीं है? नहीं है, 2 घंटे। कितने देर से भटक रहे हैं? 6 बजे से हैं। 6 बजे से? हाँ। जाड़ा तो बहुत है, क्या करें, मजबूरी, तो घर तो नहीं जाना है किसी व्यवस्था से, नई गाड़ी साधन नहीं है। अच्छा, जानकारी थी क्या कुछ ऐसा कि प्रदर्शन हो रहा है और गाड़ी वगैरह नहीं चल रही? नहीं, जानकारी नहीं था। जानकारी नहीं? आपको कहाँ जाना है बाबा? कसिया। कसिया? कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है? ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं? तो कैसे जाएंगे? अब मजबूरी है, यही रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये उम्मीद है कि सुबह तक सब कुछ सामान नहीं हो जाएगा? अब तो भगवान जाने, हमको विश्वास नहीं है। बैठो भैया, बैठो गाड़ी, बैठो। तो कैसे घर पहुँचेंगे? अब यही बैठेंगे, क्या करेंगे? यही बैठे रहेंगे, हाँ जाड़े में मरेंगे, क्या करेंगे? उम्र कितनी होगी आपकी? 70 साल। कोई जानकारी थी क्या? ना, कोई जानकारी। ये पीछे यात्री गणी है, कहाँ जाना है? लखनऊ। लखनऊ? चिल्ला तो रहे लखनऊ लखनऊ, जाएंगे। यात्री नहीं है उतना? नहीं, यात्री इस समय अभी संचालन फिलहाल अभी शुरू हुआ है, 2 दिन से बंद था, जिसके चलते यात्रियों को पता चल गया है कि हड़ताल है, इसके चलते अभी यात्रियों का अभाव है। पूर्ण रूप से संचालन शुरू होगा तो यात्री मिलने लगेंगे, अभी भी कुछ यात्री हैं, 10-12 लोग बैठे हुए हैं। जानकारी नहीं थी, वो लोग आ गए, आपको जानकारी नहीं थी? कहाँ गए लखनऊ वाले भैया? जानकारी नहीं थी इसीलिए आ गए? इसके लिए जानकारी होती तो नहीं आते? नहीं आते, जानकारी होता तो नहीं आता, नहीं मालूम हुआ, अचानक में बंद हो गया। नहीं तो जो एक ठो है वो भी छूट जाएगी। सामान्य तौर पे जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत चहलकदमी नजर आएगी, पीछे दुकानें सारी खुली रहती हैं, लोग आपको बहुत सारे नजर आते हैं, लेकिन आज जो है बहुत खाली है और ये बस में भी मुश्किल से 10 लोग भी नहीं है और लखनऊ जा रही है, ऐसे लखनऊ वाली बस पूरी अच्छे से भरी रहती है। कुछ और लोगों से बतियाते हैं, भैया कहाँ जाना है?
अरे हम लोग को फाजिलनगर जाना है, फाजिलनगर। बस नहीं मिल पा रही? नहीं बस नहीं मिल। अच्छा जानकारी थी क्या कुछ? नहीं मालूम तो था, दिल्ली से हम अभी आ रहे हैं। एक भैया पूरा कंबल उम्बल व्यवस्था करके आए हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया कंबल उम्बल लेके? तुमको ही राज। बस नहीं मिल पा रही? बस नहीं चल रही। तो कैसे जाएंगे? देखेंगे। टेम्पू वगैरह कुछ ढूंढने की कोशिश की है क्या? कोशिश तो कर रहे हैं। वो भी नहीं मिल पा रहे टेम्पू वगैरह? देखिए इतनी ठंडी है और रात के बज रहे हैं 10 से ऊपर हो रहे हैं, 10:30 हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है वो गाड़ियां नहीं मिल पा रही हैं और लोग जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा हम जो है लखनऊ वाले बस पे चलते हैं, हालांकि मुझे लखनऊ तो नहीं जाना है लेकिन तब भी हम यहाँ पूछने आ गए। कितने देर के इंतजार के बाद बस मिली है? 15-20 मिनट हो गया हमको। अच्छा जी, तब जाके मिली है, पता नहीं उम्मीद भी है घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ पे एक बाबा है, बाबा कितने देर इंतजार किए हैं तो एक लखनऊ वाली बस मिली है? बहुत देर, घंटों। सवेरे ही आ गए थे क्या? सुबह से। अच्छा जानकारी नहीं थी क्या कि कुछ स्ट्राइक वगैरह है? ट्रेन से आए थे। ट्रेन तो जो है वो चल रही है लेकिन बस जो है वो नहीं चल रही थी। अभी पूरा सीट जो है वो खाली है और नीचे लोग भी नहीं है, तो इतने ही लोगों को लेकर शायद जो है ये बस अपने मंजिल की तरफ चलेगी। वेट करना पड़ा है काफी देर बाद। जानकारी थी क्या आप लोगों को कुछ ऐसे स्ट्राइक वगैरह? ऐसा कुछ भी नहीं था, एक्चुअली मैं तो ट्रेन से जा रहा था मैं, बट उसका वेट किया 1.5 घंटा। क्या क्या कह रहे हैं, आ रहे हैं भैया आपके पास, बताइए क्या कह रहे हैं? पूरे प्रदेश में भय का माहौल है इस सरकार के इस कानून की वजह से। मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी डर के मारे गोरखपुर पार करके और नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक अभी पर्सनल गाड़ी चल रही थी जिसपे तोड़ फोड़ हुआ है और शीशा फोड़ दिया गया उसका। कौन फोड़ा? पब्लिक फोड़ी होगी बैतालपुर चौराहे पे। तो आप ड्राइव कर रहे थे? नहीं, हमारा ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा था। अच्छा, तो बोला कि सर आप गाड़ी गोरखपुर में ही पार कर दो, आप ट्रेन से जाओ, और ट्रेन भी कैंसिल हो गई है। फिर मुझे पहली बार इस बस में बैठ के जाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने किसी को सुबह 10 बजे का टाइम दिया। तो मतलब आपको ये जानकारी थी कि बस जो है वो अब से चलेगी? नहीं नहीं, मैं बाहर आया हूँ अपने एक फ्रेंड को बुला के घर जाने को, तो ये बस वाला मेरे को आके मिला है कि भैया चलिए बस चालू हो गई है। ये बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जो सुबह सुबह यहाँ पर आई थी वो काफ़ी देर तक इंतज़ार की और वापस लौट गई, और जिनको जानकारी नहीं थी वही लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं, और अभी इन लोगों को बस तो मिल गई है लेकिन आसपास के लोगों को बस नहीं मिल पा रही, जैसे रुद्रपुर जिनको जाना है और जहाँ जगह जिनको जाना है उनको बस नहीं मिल रही है, लोग जो है वो लौट रहे हैं। देखिए अभी उन भाई साहब से हमने बात की थी, अब वो जो है वो वापस पैदल जो है अपने पैरों के सहारे चल चल के आगे बढ़ रहे हैं। आपको सड़कें पूरी खाली नज़र आएंगी, लोग जो है वो नहीं दिख रहे। तो रोज़ ऐसा माहौल नहीं होता है, रोज़ तो लोग रहते हैं खूब, है ना? लोग रोज़ तो रहते हैं लोग खूब, आज कम है? नहीं रोज रहते, कम है आज, कम है ना, हड़ताल है इसलिए। हड़ताल तो कम है, इसमें क्या करें ड्राइवर, क्या करेंगे इसमें, कैसे चलाएंगे जब इतनी महंगाई 10 लाख रुपए का दे, सजा भी काटे 10 लाख रुपए का। ये सब ड्राइवरों के लिए बहुत जरूरी था। मैं 1998 से ड्राइवर हूँ। अच्छा, 1998 से ड्राइवर हूँ, और देश का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट में मैं नहीं गया हूँ। हैवी लाइसेंस है मेरे पास, सब कुछ है, अपनी गाड़ी कमर्शियल बनाया हूँ, हाँ, और मैं बता रहा हूँ ड्राइवरों की ना तो कोई सुनता है ना तो कोई इज्जत है, ड्राइवरी करने का दिल नहीं करता है, मगर क्या करे, पेट पालना है, बच्चों को पालना है, और कोई धंधा सीखे नहीं, शुरू से ड्राइवरी में रह गए, अब किसी तरह लात जूता खा के कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। क्या दिक्कत है ड्राइवर की, क्या समस्या? दिक्कत बहुत समस्या है, बताइए जरा। अगला सही रहता है उसको गलत लोग ठहरा देता है, किसी चौराहे पे अगर जो कोई बात हो जाएगा दूसरे की गलती रहेगी, मगर फिर भी ड्राइवर को लोग मारते हैं, किस लिए मारते हैं, इसका मतलब क्या है मारने का? अगर जो गलत है उसको सजा दीजिए, उसको तो जो है कौन सी गाड़ी चलाते हैं भैया? कोई सी भी गाड़ी चलवा लीजिए, बस ट्रक कुछ भी, कोई सी भी चलवा लीजिए। मेरा बहुत पुराना लाइसेंस है, 2006 में मैंने हैवी कराया था, देखिए। तो अभी आपका दिल नहीं करता है ड्राइवरी? बिल्कुल नहीं, साला भीख मांग के खाना पसंद है मगर इस हिंदुस्तान में ड्राइवरी करना पसंद नहीं है। और ये जो कानून आया उसको कैसे देखते हैं? ये कानून बहुत अच्छा आया है, हाँ बहुत अच्छा आया, इसमें कितने चोर और डाकू सब भग जाएंगे सर, हाँ बहुत अच्छा आया, इसको अच्छा मान रहे हैं? हाँ हम बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि लिए इसमें सब लोग सिस्टम में आएंगे, देखिए हमारा लाइसेंस। तो इसमें अगर आप किसी को ठोके तो सीधे जाएंगे 10 साल के, ठीक है, मगर 7 लाख रुपए भी। देखिए पहली बात तो ये जितने चोर डाकू हैं ये छोटे मोटे चालक ये सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा,
2022 में तो बना है भैया, 21 2022 में रिन्यूअल डेट है ये। अच्छा, देखिए इधर। अच्छा इधर है, हाँ 2006 में बना ना। भारत देश में जितना ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, किसी देश में नहीं है। मैं नेपाल गया हूँ, नेपाल में हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाइक वाला अपने साइड से रहेगा, कार वाला अपनी साइड से रहेगा, हर आदमी अपने अपने जगह रहेगा। नो पार्किंग, वहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेगा, कोई भी जाएगा पार्किंग ढूंढने का लेके जाएगा गाड़ी वहाँ। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सब राजा हैं, कोई किसी नहीं। योगी बाबा नहीं थे पहले तो यहाँ पे इतने TI इतने पुलिस वाले परेशान करते थे बाहर वाली गाड़ियों को। आज कोई भी गाड़ी वाले से पूछ लीजिए, इतना राजा की तरह आता है यूपी में और जाता है, बहुत नाम लेता है। तो हम जो है वो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी जो लोग है ना वो ठंडी में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तमाम गाड़ियाँ जो है वो नहीं चल रही हैं, हड़ताल में ही है। और इक्का दुक्का कहीं आपको ये बैटरी वाली गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन प्रॉपर जो ऑटो है वो अभी भी खड़ी है, वो चल नहीं रही। और वहाँ पे लोग जो है वो किसी साधन का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और कोहरा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। रात और भैया सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि 15 रुपये कमा के घूम रहे हैं, बच्चे कैसे पलेंगे बताइए आप। अरे आज तो आपकी कमाई होनी चाहिए थी, बस चल नहीं रहा है, टेम्पो बंद है। कौन मार खाएगा, कौन जूता खाएगा बताइए, कौन खाएगा? मार रहे हैं क्या? कोई भी मारेगा। निकलेंगे रोड पर कोई भी मारेगा भाई, जो बंदी है तो बंदी है, सबके लिए है, सबके बाल बच्चे हैं। अच्छा, सबके बाल लोग हड़ताल बुलाए हैं वो ये टोटो को नहीं चलने दे रहे हैं? नहीं, हड़ताल है तो हड़ताल है, सबके लिए, हमारे लिए भी है, जितने ड्राइवर भाई हैं सबके लिए है। हमें सोचना चाहिए कि 2 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट के बाद 7 लाख कहाँ से भरेंगे आप बताइए? 7 लाख हम कहाँ से भरेंगे? प्रॉब्लम है कि नहीं? और उसके बाद भी 10 साल जेल में कौन रहेगा? 2 लाख की गाड़ी लेकर 7 लाख का जुर्माना कौन भरेगा आप बताइए? इक्का दुक्का बस जो है वो अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन मैक्सिमम बसें अभी भी खड़ी हैं। और ये वाली बस है जिस पे मैं अभी गई थी, कुछ लोग हैं उनसे बतियाते हैं। कहाँ जाना है चाचा? हाजी नगर जाना है। कैसे जाएंगे? गाड़ी उड़ी तो चली नहीं रही। नहीं चल रही है, आएगा परेश वाला तो उससे जाएंगे, और क्या करेंगे? परेश वाला गाड़ी आएगी, परेश वाली जो गाड़ी आएगी उससे जाएंगे। ये सब तो चल नहीं पाएगी उतना दूर, टोटो नहीं जाएगी। कोई बस कोई ऑटो कुछ भी नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। कितने देर से खड़े हैं? हम 6 बजे से खड़े हैं। अच्छा, कोई जानकारी थी कि ऐसा कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है? नहीं जानकारी रहते तो नहीं आए रहते हम। बड़े दुख की बात ये है कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट है, जिसकी वजह से ठंडी में बड़ा दिक्कत हो रहा है। भैया कहाँ जाना है? हमें भी फाजनगर जाना है। अच्छा, कितने बजे से खड़े हैं? 6 बजे से, हम लोग दोनों आदमी साथ ही में है। अच्छा, हाँ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ? अयोध्या जी से, अयोध्या जी से आ रहे हैं। अच्छा, गए थे दर्शन उशन के लिए? हाँ, क्या? नहीं, वहाँ काम करने गए थे, काम बंद था, नहीं मिला तो फिर चले आए। राम मंदिर वाले में गए होते, वहाँ बड़ा काम है ये सब? नहीं, वहाँ नहीं गए, वहाँ से फिर चले आए हम लोग, और यहाँ आए तो 6 बजे से बस का इंतजार कर रहे हैं। ठंडी तो बहुत है। ठंडी तो है, क्या कीजिएगा, किसी तरह अब रात काट रहे हैं। आंखें जो है वो आंखों में नींद नहीं आ रही, उन्हें ये डर है कि अगर कहीं झपकी वपकी ले लिए तो इक्का दुक्का जो साधन मिलने वाला है वो भी नहीं होगा। अभी भैया जो है अपनी गाड़ी घिसराते हुए कहाँ जा रहे हैं? घर निकलना है पीपीगंज। कोई साधन जाएंगे? कोई साधन ही नहीं है, किसी को बुलाना पड़ेगा घर से। हाँ, तो कोई घर से आएगा? हाँ घर से आएगा। पता है पेट्रोल पंप पे तो तेल भी नहीं मिल रहा है, तो कोई कैसे बाइक से लेके आएगा? क्या करें, मजबूरी है, पहले की बाइक तेल पड़ी हुई है, उसी से जाना होगा। अच्छा, देखिए क्या पता कोई ट्रेन में मिल जाए। नहीं ट्रेन नहीं है, देख क्या है, देख क्या है। तो ये जो है लोग जो यात्री लोग हैं, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा लेके मैडम जा रही है। मैडम कहाँ जाना है? आप ही के साथ हैं क्या? हमारे साथ ही हैं। कितने साल का बच्चा है? अभी 15 महीने की है। बहुत छोटी है? बहुत छोटी है। ओहो, तो ये जानकारी नहीं थी क्या कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट वगैरह था? लेकिन फिर भी घर तो आना ही है ना। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से। तो आए किससे थे, ट्रेन से क्या? नहीं बस से ही आए थे, बस तो। एक छोटा सा बच्चा जो है इस ठंडी में जानकारी होते हुए भी ये परिवार निकला था, और एक छोटा सा बच्चा इस कपकपाती ठंड में अपनी माँ जो है उसको लेकर गोद में जा रही है। लेकिन एक तरफ आप पैसेंजर जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी बस की किसी भी साधन के इंतज़ार में आपको इधर उधर घूमते नजर आएंगे लोग, लेकिन मिल नहीं पा रहा है कोई साधन। तो आज तो बिक्री भी नहीं हुई होगी, लोग ही नहीं है, बोहनी हुआ कि नहीं?
वो नहीं क्या सेल डाउन है, 100 में 10% है और कुछ ये शुरू हो गया बस चलना की। हाँ शाम को 4 बजे से शायद स्टार्ट हो गया। तो लेकिन तब भी तो मैक्सिमम बसें खड़ी हैं। खड़ी हैं, पब्लिक भी नहीं है, जितनी है उतनी हल्की फुल्की जा रही हैं, गाड़ी भेजे जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। शाम से चली, क्या कह रहे हैं चाचा? शीतलहार हो गया है इसलिए बस जो है रात में खड़ी हो गई है। अच्छा सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे? सुबह से इंतजार कर रहे थे, 4 बजे के बाद प्रशासन आया है तब बस चला है। बोले हैं चलाओ जो होगा हम देखेंगे। प्रशासन के लोग ही बस भेजे हैं, उसमें पुलिस वालों को भी भेजे हैं। अच्छा मतलब डर है कि अगर उसमें पुलिस नहीं होगी तो कुछ उपद्रव नहीं होगी तो उपद्रव ही कर सकते हैं कुछ, वही बात। क्या कह रहे हैं, कुछ कहने आ रहे हैं क्या? नहीं, देख रहे थे कि बस नहीं चल रहा है, उसके क्या कारण है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। पेट्रोल की सभी हाँ वहीं से वापस आए हैं, सब पेट्रोल पंप बंद है, इस टाइप पे लगे हुए हैं सब। तो आपको किधर जाना है? हम लोग को तो अली नगर जाना है। तो उतना है ना अभी गाड़ी में? अभी तेल है कम से कम, जाने भर का तो है लेकिन सुबह भर का नहीं है। हम लोग का जो व्यापार है वो नहीं हो पाएगा। दुकान है क्या आपने? जी। तो देखिए तेल नहीं होने की वजह से भी लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, उधर बस जो है वो खड़ी है, बहुत सारे यात्री आए और बिना किसी साधन के वापस लौटने लगे, उन्हें डर था। कहाँ जाना है भैया? देवरिया जाना है। मिला क्या कोई साधन? नहीं अभी नहीं मिला। तो कैसे जाएंगे? देखते हैं ना, देखते ये हैं। तो बाबा चला ही नहीं पाएंगे, बाबा देवरिया तक इनको पहुँचा पाएंगे? नहीं देवरिया तक नहीं, नहीं पहुँचा पाएंगे। तो ये जो लोग हैं वो देखिए आपको खड़े नजर आ रहे हैं, एक तरफ जो है वो ऑटो भले थोड़ा चलने लगी, क्या कह रहे हैं? सवारी आ ही नहीं रहा तो कहाँ से सवारी ढोएंगे बताइए, खाली तो आप तो देवरिया नहीं ले जा पाएंगे। अरे ना? तो लोकल सवारी तो मैडम मिलती है कम तो लोकल तो। वालों को तो पता चल गया ना स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक है इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं। सुबह से बताइए 100 रुपए नहीं कमाया। अच्छा। जी लेकिन एक तरफ जो लोग है वो बस का इंतजार कर रहे हैं, एक तरफ आप सवारी चाह रहे हैं, मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है बताइए मैडम, यही तो हो रहा है। बाबा कुछ बोनी होनी हुआ है? अभी नहीं हुआ। कमाए गरीब आदमी कहाँ तो कमाएंगे, देख रहे हैं खाए बगैर बेचारा मर रहा है बुड्ढा। कितना उम्र हो गया बाबा? 60 साल हो गया। 60 साल हो गया। तो अब क्यों चला रहे हैं? अरे अब क्या करें, जब मजबूरी। पेंशन वगैरह नहीं मिलता है क्या बाबा? नहीं मिलता था तो बंद हो गया वो भी। अच्छा अब बंद कर दिया पता नहीं क्यों। तो अब यही रिक्शा चलाते हैं? हाँ। कितनी आमदनी होती होगी बाबा? अरे कभी कमा लेते हैं 2-4 रुपए 2-4 सौ, कभी नहीं कमाते हैं। आज हुआ है कि नहीं? आज अभी खाली खाली घूम रहे हैं। सुबह से नहीं, सब शाम को लेके आया। अच्छा सुबह से निकले नहीं डर के मारे, क्योंकि प्रोटेस्ट था तो कहीं कुछ लाठी चार्ज हो जाए। हाँ यही बात है, और क्या किया जाए। देखिए जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या यही है कि अगर वो निकलेंगे नहीं रोड पे तो रात में उनके बच्चे भूखे सो जाएंगे, इसलिए उन्हें यह ऑटो लेकर निकलना पड़ रहा है। और जब ये ऑटो लेकर निकल रहे हैं तो भी एक संकट है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो ऑटो को सवारी उतरवा रहे हैं और ऑटो को किनारे खड़ा करने के लिए कह रहे हैं, और जो ऑटो किनारे नहीं खड़ा हो रही उस पर जो है वो लाठी वाठी भी चलाने लग रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा संकट है इन लोगों के साथ। दुकानें जो हैं वो अब बंद होने लगी हैं, क्यों? क्योंकि उस तरीके से पैसेंजर आज यहाँ पर है नहीं जितना रोज़ हुआ करते थे। तो हम बस स्टैंड पर थे, हमने ये ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की कि लोग जो है वो कितना परेशान हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया, कहाँ जाना है? गोरखपुर। हैं गोरखपुर में तो खड़े हैं, जाना कहाँ है? यहीं पर जाना है। अच्छा यहीं पे आना था। हाँ। घर कहाँ है? पड़ताल ब्लॉक। तो कैसे जाएंगे, कोई साधन तो है नहीं? ये साधन अपना लेकर आए हैं, खुद काम। अच्छा तब जाइए, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं ये, इनके पास संसाधन है। तेल है? तेल है भैया बाइक में? नहीं होगा तो नहीं पहुंच पाएंगे, पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है। तभी भैया ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, इनके आज के दिन जो सबसे ज्यादा अमीर है वो यही है जिसके पास अपनी गाड़ी है और गाड़ी में तेल है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि पहले तो उसके पास संसाधन है और दूसरा उसमें ईंधन भी है, मतलब साधन भी है और ईंधन भी है, इसलिए वो ज्यादा राजा महसूस कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो परेशान है वो आम इंसान जिनके पास कोई साधन नहीं है, और रात जो है वो तेज़ी से गहरा रही है, रात का एक पहर बीत भी चुका है, 11 बजने जा रहा है, और इस कपकपाती ठंड में बहुत सारे लोग जो है वो अपनी हाथों को मोड़ कर खड़े हैं,
ठंड से बचने के लिए और कोई साधन ढूंढ रहे हैं, जिनको मिल जा रहा है वो पहुंच जा रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा वो ऐसे ही खड़े हैं। लखनऊ वाली बस अभी भी खड़ी है, एक घंटे जो है वो हो चुका है मेरे को यहाँ टहलते टहलते, लेकिन बस जो है वो निकली नहीं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर ज़मीन पर क्या असर हो रहा है, यही जानने और समझने के लिए हम ग्राउंड पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।